Of class 5th. Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is the man who empowered the blind. कल इसी टॉपिक का हमने लैंग्वेज वर्क किया था, तो बच्चों आज हमने इसी टॉपिक का ग्रामर वर्क करना है. अपनी बुक्स निकालें, आपकी बुक्स का पेज नंबर 55 और 56 है. पेज नंबर 55 निकालें, तो यहाँ पर हमने करना है ग्रामर वर्क. ग्रामर वर्क में हमने क्या करना है, यूज ऑफ वुड एंड यूज टू. यूज ऑफ वुड एंड यूज टू का इस्तेमाल करना है. मैं ये करता था, अब मैं नहीं करता. ऐसी मतलब इस ऐसी सिचुएशन के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं. ऐसी सिचुएशन को हम इंग्लिश कन्वर्सेशन में मतलब इंग्लिश में वुड एंड यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. मैं ये ऐसा पहले ऐसे हुआ था, अब ऐसा नहीं करता. पहले मैं ऐसा करता था, अब मैं ऐसा नहीं करता. तो ये जो सेंटेंस है ये अक्सर हम ये इस्तेमाल करते हैं. पहले ये मैं खाता था, अब मैं ये नहीं खाता, है ना. ऐसे जो सेंटेंस है तो इनमें इनका इस्तेमाल जब हम इंग्लिश में हम इसको करते हैं तो इसमें हम वुड एंड यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. तो हाउ टू यूज टू एंड वुड, किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले यहां पर टू टॉक अबाउट ए, पास्ट हैबिट. टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट, तीसरी चीज है यहाँ पर टू विद प्रेजेंट टू. तो हाउ टू यूज टू एंड वुड, सबसे पहले इसमें क्या देखना है, टू टॉक अबाउट ए पास्ट हैबिट. इसमें बात करनी है पास्ट हैबिट के बारे में. टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट, पास्ट स्टेट के बारे में. टू कंट्रास्ट पास्ट विद प्रेजेंट, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या होने जा रहा है. तो ये चीजें हैं. अब यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, वी यूज टू वॉच टीवी एवरी डे बट नाउ वी प्रेफर नेटफ्लिक्स. एक सेंटेंस लिखा, वी यूज टू वॉच टीवी एवरी डे बट नाउ. नाउ जो है, नाउ का इस्तेमाल हुआ है पास्ट हैबिट. ये इसकी पास्ट हैबिट है कि पहले